बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल करती फूड बाय रहमा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लीमू के रस को स्टोर करने का आसान और मुनफरद तरीका। लीमू के रस को स्टोर करें 1 माह से लेकर 6 माह तक। और यहाँ पे जी लीमू है मेरे पास 1 किलो, इन्हें मैंने धो के अच्छी तरह से सुखा लिया था। और अब मैं बताऊँगी जी हमें क्या करना है। यहाँ पर मेरे पास एक कटिंग बोर्ड है, इस तरह से लेमन को दरमियान से काटेंगे। ठीक हो गया जी, इसी तरह हमने सारे लेमन को काट लेना है और काट के इनका निकालेंगे रस। सारे लेमन को मैंने दरमियान से काट लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास एक ग्लास है, इसके ऊपर रखेंगे छलनी, आप कोई सी भी रख लें। ठीक हो गया जी, इस तरह से रखेंगे छलनी को और इस तरह से जो लेमन है उसका जूस निकालेंगे। ठीक हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, सारे लेमन का जूस मैंने हाथ से निकाला है। और अब ये जो गूदा है इसे एक दफ़ा चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत रस है वो निकल जाए। और मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी शेयर किया था जी कि हम ये जो लेमन के बीज और इसके जो रेशे हैं उसे जूस के अंदर ही रहने देंगे, ये लॉन्ग टाइम तक जूस को फ्रेश रखेंगे। आप उस तरीके से जूस को बनाएं या इस तरीके से बनाएं, दोनों का आरामद है। मैं जूस को दोनों तरह से स्टोर करती हूँ और मुझे दोनों की तरफ से जो है बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं। ओके जी, ठीक हो गया। अब आप इसे स्टोर करेंगे ग्लास की बॉटल में और साल भर के लिए इसे महफूज करें। और अगर आप चाहें तो इसे आइस क्यूब्स की ट्रे में भी इसे आप फ्रीज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो किसी बॉटल में फ्रीज कर सकते हैं। मैंने आपके साथ शेयर की लेमन जूस को स्टोर करने का तरीका। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। और मुझे कमेंट करके लास्ट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।